हाँ सुमित, कैसे हो? हाँ मैं भी अच्छा हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस ये साइट पूरी होने वाली है। तुम उसको अपने आप समझाओ और घर पे हटो हटो। अरे कोई पानी लेके आओ। अरे अरे कोई यार इसे ले जाओ यार। ला 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 लेके आओ। हाँ हाँ मैं ला रहा हूं। अरे हॉस्पिटल ले जाओ यार इसे ले जाओ यार। अरे ले जाओ यार। पुलिस केस बनेगा। अरे कोई पुलिस केस नहीं बनता। नहीं पुलिस केस बनेगा। लाओ लाओ। सुनो, पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल है, ब्लड का इंतजाम करो। जो पेशेंट अभी आया उसे ब्लड की जरूरत है। आइए बैठिए। जी आपका नाम? समीर। आपका रिश्ता क्या है पेशेंट से? कोई रिश्ता नहीं है। एड्रेस? 4/14 सी ब्लॉक रियल इस्टेट कॉलोनी। क्या बताऊं यार, बेखूब बनाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले। 10 लाख रुपए लोन लेके दिया था घर वालों ने। तू जॉब की टेंशन मत ले यार। अगर जॉब की टेंशन ना लूं, समझा, मेरा घर बिक जाएगा। हर कदम पे एक इंस्टीट्यूट मिलेगा तुझे। साले बोलते हैं प्लेसमेंट देंगे, लेकिन प्लेसमेंट के नाम पे क्या देते हैं? ठेंगा। और लोन वाले आएंगे, आइए साहब लोन लीजिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जब लोन की 1-2 किस्तें आगे पीछे हो तो बोलते हैं आपका घर बिक जाएगा। अबे इनके बाप का घर है जो बिक जाएगा। अरे तू टेंशन ना ले। अरे मैं टेंशन क्यों नहीं लूं, जॉब तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मसला अभी का है। अभी क्या करूं समझ में नहीं आता। और घर वालों को लगता है मैं जॉब कर रहा हूं। उन्होंने इतने महंगे इंस्टीट्यूट से मुझे पढ़ाया, डिग्री मिल गई, नहीं मिला तो क्या एक्सपीरियंस, वो कहां से लाऊं? डिग्री रद्दी में भी बेचोगे तो अभी कुछ पैसे नहीं देगा कबाड़िया। क्या फायदा हुआ इतना पैसा देके? एक कागज का टुकड़ा थमा देते हैं, लो जाओ जॉब के लिए, और वहां कहते हैं एक्सपीरियंस लाइए। अरे जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस क्या भाड़ दूंगा मैं उन्हें? सबको एक्सपीरियंस चाहिए तो पहले एक्सपीरियंस दो, डिग्री बाद में दे दिया करो। हेलो वकील साहब, आइए।
हेलो दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कैसे डियर? थैंक यू जी। वकील साहब कैसे आना हुआ? कुछ प्रॉपर्टी के पेपर थे जो आपसे सिग्नेचर कराने थे। लाइए। सिग्नेचर यहाँ होने हैं। यहाँ होने? इनको दो। लाओ। ओके। मलिक साहब आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं साइट से विजिट करके वापस आ रहा था, अचानक मुझे गाड़ी ने पीछे से हिट किया, फिर मुझे मेडिकल में ही होश आया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लो पास कर दिया है जिसमें एक्सीडेंट विक्टिम को मेडिकल की तरफ से पूरी एड मिलेगी और पुलिस की तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और ये गजर नोटिस गुड सैमरिटन के नाम से पास हुआ है। अच्छा वकील साहब, मुझे एक साहब के पास पेमेंट करने जाना है अर्जेंटली, आपसे फिर बात होती है। आप जब तक ये काम करिए। ओके बाय, टेक केयर। हेलो। हाँ पेमेंट रेडी है, मैं लेके पहुंच रहा हूँ बस। ओके समीर, खुश नसीब हो तुम बच गए। जो मुझे छोड़ के गया यहाँ वो कहाँ है? उसका एड्रेस तुम्हें ब्लड बैंक से मिल जाएगा। चलो। हेलो। हाँ माँ। माँ मैं करता हूँ, आप परेशान ना हो। हाँ माँ मैं करता हूँ। अरे मैं करता हूँ। हेलो सनी, मैंने तुझसे कहा था ना पैसों के लिए। हाँ यार घर से कॉल आई थी, तू कुछ करना है? लोन वाले यार कुछ ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आज नोटिस दे गए, बोलते हैं दो चार दिन में अगर किससे नहीं दी तो ताला डाल देंगे। तू कुछ करना यार, तू कर देगा यार, थोड़ा बहुत होता तो मैं भी अरेंज कर लेता।